Hey guys, Beast again from Geek Guys, and first of all, I want to apologize to you. इस वीक में टेक न्यूज़ नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल इनफ टू मेक द वीडियो सो आई हैड टू स्किप इट बट नाउ आई एम होपफुली बैक एंड आई एम रिकवरिंग सो दिस इज़ माई प्राइमरी फोन दिस इज़ द पोको फोन F1 दिस वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फ़ोन बहुत ही पॉपुलर फ़ोन था ये तो अक्टूबर 22 को एक्चुअली मेरे को ये डिलीवर हुआ था 2018 में सो दिस इज़ लाइक अ 2 year old फ़ोन एंड Still now it is working just fine. The display is quite crisp. Everything is fine. But it is quite a bit old device. और performance वगैरह मैं daily इस पे game खेलता हूँ PUBG and everything. And it handles like a champ. और कोई भी stutters वगैरह मेरे को कोई issues नहीं है. इस handset के लेने के एक month के बाद ही मैंने इसमें लेनी है जो इस डाल दी थी. और उसके बाद थोड़ा back and forth मैंने MIUI use किया. But उसके बाद मैंने MIUI को जस्ट स्ट्रेट अप ड्रॉप कर दिया था और मैं स्ट्रेट लिनेज OS पे हूँ तो लिनेज OS के साथ एक्चुअली मेरा काफ़ी पुराना जो है वो मैं यूज़ करता रहा हूँ लिनेज OS और मुझे लिनेज OS काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है तो एज अ स्टॉक एक्सपीरियंस मैंने इसमें लिनेज OS काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ बट काफ़ी ओल्ड डिवाइस हो गया तो मैंने सोचा कि इस टाइम अपग्रेड करते हैं तो आई बॉट अ न्यू फोन एंड इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू ऑलरेडी नो विच फोन आई एम टॉकिंग अबाउट So actually I have took a sneak peek inside the box not inside the box but inside this box so let's open this box and see which phone I got for the successor of this flagship killer okay so let's remove this okay so are you ready so I got this LG G8X thank you dual screen edition one so let's keep this to the side and let's just admire this beauty so there are two boxes actually this is the box with the phone so this is with the phone and this is the dual screen accessory so box is quite hefty you are listening the rattle this is because the charger is not included and That space is empty. So as you can see, it is written here Meridian and DTS-X. So actually, this phone is supposed to be quite a good in terms of audio. And मैं बहुत बड़ा audio lover हूँ. तो मैं 24/7 I like to listen to music. तो ये phone मेरे लिए उस terms में भी काफी special है. तो let's unbox this phone and check out कि इस phone के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है. This is like a dream come true. I bought it only for 19,143 rupees. और जो इसमें प्राइस कोटेड है वो 70,000 इंडियन रुपीज है इट इज़ इनसेन कि मेरे को कितनी मतलब फ्लिपकार्ट ने कितनी अच्छी डील जो है हमें प्रोवाइड की है एंड आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस दैट आई गॉट दिस फोन सो लेट्स सी वट इज इन साइड द बॉक्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनबॉक्सिंग सो गाइज ये है एल जी जी एट एक्स थिंक यू या थिन थिंक जो भी आप बोलना चाहते हैं तो आई हैव नॉट ओपन दिस बॉक्स सो आई एम ओपनिंग दिस बॉक्स राइट नाउ फॉर यू यहाँ जैसे कि हम चेक कर सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डी टी एस एक्स और मेरेडियन मेरेडियन अगर आपको नहीं पता है कि तो ये काफ़ी बड़ी यूके की हाई फाई ब्रांड है जो इवन तक मर्सिडीज़ की माइबाख S650 से लेके इतनी जो पॉश गाड़ियाँ हैं उनका साउंड सिस्टम जो है वो प्रिपेयर कराते हैं उनके साथ और यहाँ जैसे कि आप चेक कर सकते हैं जो कोटेड प्राइस है वो 70,000 इंडियन रुपीज़ है तो दिस इज़ अ प्रॉपर फ्लैगशिप फोन आई एम नॉट जोकिंग एंड दिस इज़ अ 6 GB एंड 128 GB वेरिएंट सो ओपनिंग दिस बॉक्स अप हमें यहाँ मिलता है एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है साथ और ये है वो डिवाइस दिस इज़ द डिवाइस इटसेल्फ तो ये हमें यहाँ एक ब्लूइश कलर में मिलता है ब्लूइश टेंट है इसमें हल्का सा और यू कैन सी द कैमरा इज़ फ्लश विद द बैक दिस इज़ द वन थिंग दैट आई एडमायर द मोस्ट ऑफ दिस डिवाइस कि इसका कैमरा जो है बिल्कुल फ्लश है बॉडी के साथ तो इस फ़ोन को भी अभी साइड रखते हैं लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स डू वी गेट सो ओपनिंग द बॉक्स अप सो इसमें आई थिंक सो हमारा पेपर वर्क वगैरह होगा सो ओके सो क्विक स्टार्ट गाइड टू ओके
तो इसमें हमें एक केस मिलता है, पॉलीकार्बोनेट केस है, काफ़ी अच्छा केस है, सो दैट इज़ अ नाइस टच। तो इसमें चार्जर हमें नहीं मिलता है, इट वॉज एक्सप्लिसिटली टोल्ड इन द फ्लिपकार्ट वेबसाइट। तो ये टाइप सी केबल है, इसे भी हम साइड रखते हैं। क्विक चार्जिंग 4+ जो है वो सपोर्ट करता है, एंड दिस इज़ वन थिंग गाइस, इसके साथ हमें ईयरबड्स भी मिलते हैं, एंड दीज आर नॉट द नॉर्मल ईयरबड्स, ये एक काफ़ी हाई क्वालिटी ईयरबड्स है LG की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेडेड केबल के साथ आते हैं, सो दीज आर LG ब्रांडेड एंड दीज आर गोइंग टू साउंड क्रेजी, सो इनको भी साइड रखते हैं। और थोड़ी से एक्स्ट्रा जो है ईयर टिप्स भी इसमें हमें प्रोवाइडेड है, तो इसको अभी हम सबको साइड रखते हैं और लेट्स चेक आउट द हैंडसेट। सो दिस इज़ द हैंडसेट, काफ़ी स्लीक है, पीछे ग्लास है पूरा, दिस इज़ IP68 वाटर रेजिस्टेंट। तो इसका पील करते हैं प्लास्टिक, लेट्स कीप दिस टू द साइड, पूरा मेटल है ये साइड में अगर आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस हैंडसेट जो है वो काफ़ी स्लिम है, और यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर सकते हो बॉटम में जो है एक टाइप सी पोर्ट है इसमें, यहाँ प्लास्टिक्स भी लगे हुए हैं थोड़े से, सो लेट्स रिमूव दैट। तो बॉटम में हमारा एक हेडफोन जैक है यहाँ पर, और आगे टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन भी है, और यहाँ पर मेन स्पीकर है। एक्चुअली इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो जो टॉप अगर आप यहाँ चेक करते हो तो जो ईयर पीस की स्लिट है यहाँ से भी ऑडियो जो है आती है, और ऊपर जो है हमारा 32 मेगापिक्सल का जो है वो रियर कैमरा है। यहाँ पर साइड पर हमारा पावर बटन है, और एक और जो है माइक्रोफोन है, और जो सिम स्लॉट है वो हमारा यहाँ टॉप पर है। तो सिम स्लॉट को अगर हम एक बार ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिम स्लॉट की है, लेट्स सी। सो इसमें जो है हाइब्रिड स्लॉट है, या तो आप दो सिम डाल सकते हो या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। सो बेसिकली मैं सिंगल सिम के साथ ही यूज़ करता हूँ, मेरा दूसरा सिम मेरे आईफोन में है, सो दैट इज़ अनदर थिंग। बाकी द बिगेस्ट थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट इज़ दैट द फ्लश, जो बिल्कुल फ्लश कैमरा है इसका, और फ्लैश जो है वो साथ में जो है वो प्लास्टिक की है। एक्चुअली में फ्लैश जो है वो प्लास्टिक की बेटर रहती है, क्योंकि ग्लास से वो डिफ्यूज़ नहीं होती है प्रॉपरली। और जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हैं, दिस फोन इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, यहाँ वॉल्यूम रॉकर्स हैं इसके साइड में, और इधर जो है एक डेडिकेटेड जो है हमें एक गूगल असिस्टेंट की दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा जो फ़ोन है ये है, तो फ़ोन को भी हम साइड रखते हैं, और जो इसकी डुअल स्क्रीन एक्सेसरी है उसे हम ओपन करते हैं। सो दिस इज़ द LG डुअल स्क्रीन एक्सेसरी, तो ये भी जो है काफ़ी स्पेशल चीज़ है। तो लेट्स ओपन दिस अप, और ओके, सो आर यू गाइस रेडी? ओके, सो आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज जब मैंने इस फ़ोन को, इसका जो LG V40 आई थिंक, सो V40 के साथ ये पहली एक्सेसरी आई थी, तो जब मैंने ये फ़ोन देखा था तो मेरे को काफ़ी फुलिश लगा था, बट अब मैं जब एक्चुअली मैं इसे देख रहा हूँ तो इट लुक्स लाइक दैट इट इज़ क्वाइट अ ग्रेट डील, और काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह भी मैं इसके चेकआउट कर चुका हूँ, तो उस सेंस में भी काफ़ी जो है ये फ़ोन अब लग रहा है थोड़ा। आप जैसे कि चेक कर सकते हैं, ये बटन आउटसाइड से ही टैक्टिकल है, अभी फ़ोन मैंने अटैच भी नहीं किया है। सो दिस इज़ लाइक पीछे जो है ये लेदर टाइप का है, सो लेट्स रिमूव द स्टिकर एंड लेट्स ओपन दिस अप। दिस इज़ द सेकेंड OLED डिस्प्ले गाइस, ओ माय गॉड, एंड दिस इज़ वन थिंग, ये जो है एक अडाप्टर टाइप है, जो आपका जब आप फ़ोन डॉक इन करोगे, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो अंदर एक टाइप सी पोर्ट है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ एक टाइप सी पोर्ट है जिससे फ़ोन जो है वो अटैच होगा, सॉरी द ऑटो फोकसिंग, या सो यहाँ टाइप सी पोर्ट है, वेट अ मिनट, ओके टाइप सी पोर्ट है जिससे आप फ़ोन को डॉक करेंगे, और ये मैग्नेटिकली यहाँ अटैच हो जाता है, तो देर इज़ दैट। और बाहर भी एक जो है डिस्प्ले है जो आपको बेसिक नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेगी, सो इसको अभी हम साइड रखते हैं और लेट्स बूट द डिवाइस एंड सी द इनिशियल सेटअप। ओके, सो हैप्टिक फीडबैक दिया इसने मेरे को, एक्चुअली यू कैन सी कितने बॉटम तक जो है इसकी बेजललेस डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है,
और इट इज़ ओलेड, सो इट इज़ क्वाइट गुड. सो कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिवाइस, तो इसमें स्नैपड्रैगन 855 है और 4G है ये डिवाइस, ये 5G नहीं है. इसमें जो X50 मॉडम जो एक्सटर्नल लगना था जो 5G के लिए, वो नहीं है इसमें. बाकी 6.4 इंच की डिस्प्ले है ये वाली ओलेड, और दूसरी जो डिस्प्ले है जो इसकी एक्सेसरी के साथ है वो भी 6.4 इंच है. और बाकी स्टीरियो स्पीकर्स हैं, कैमराज इसका 13 और 12 मेगापिक्सल है, एक अल्ट्रा वाइड है और एक नॉर्मल कैमरा है. फ्रंट इज 32 मेगापिक्सल कैमरा और 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB रैम है. और जो ये डिवाइस है IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, NFC और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. एक्चुअली इस डिवाइस के लिए मैंने एक स्पेशल वायरलेस चार्जर जो है वो बाय किया है. उस वायरलेस चार्ज में कोई इशू है तो मैंने उसे अभी रिप्लेसमेंट के लिए उसका जो है वो डाला है. बाकी जब रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो मैं उसका भी आपको एक टूर जो है वो आपको मैं एक प्रोवाइड कर दूँगा. So I connected to my Wi-Fi. So let's get started with the setup. और 48% बैटरी है ऑलरेडी इसमें, तो I don't know, it kind of feels warm, थोड़ा warm लग रहा है. But initial setup पर कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन जो है वो थोड़ा सा हीट करता है बिकॉज इट इज़ डूइंग एक्चुअल प्रोसेसिंग. सो बेजल्स आप देख सकते हो काफ़ी थिन जो है वो बेजल्स हैं. Copy data. Yes, I want to copy data from another old phone wirelessly. Let's see. अगर ये सारा data मेरा copy करता है. So I should just copy my old data over here. So guys, finally it is set up. तो device जो है वो set up हो चुका है. I don't know what the focusing issue is going on. Okay, so. सो डिवाइस जो है वो सेटअप हो गया है. इसके साथ हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी चेक कर लेते हैं. सो इट इज़ क्वाइट गुड. जो अभी ऐप्स जो है वो अभी एक्चुअली इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम साथ ही साथ जो है एक बार जो डुअल स्क्रीन एक्सेसरी है उसे भी एक बार यूज़ करके चेक कर लेते हैं. तो जैसे कि इसे यूज़ करना है हमें ऐसे इसमें स्लाइड करके, इट विल जस्ट फिट. तो ये आइकन जो है हमारे सामने आ गया है. So turn on the dual screen. You have to okay. So the display is on. You have to update the firmware. So display का firmware जो है वो upgrade कर रहा है. Android phone safety. Please do not remove the battery. 8 seconds. Okay, restart the phone. Okay. So I follow Jerry Rig Everything. और Jerry Rig Everything में अगर आप भी follow करते हैं तो वो उसमें बताया गया कि LG की बैटरीज जो है वो काफ़ी ही जो है इशू होता है उनको एक्सक्रूड करने के लिए बाहर. तो दैट इज़ वन बिग इशू. तो फर्मवेयर आई थिंक सो अपग्रेड हो गया होगा. सो लेट्स टर्न ऑन द डिस्प्ले. सो दिस इज़ द अदर डिस्प्ले. सो लेट्स चेक आउट द ऑडियो ऑफ दिस. सो लेट्स गो फॉर आवर ऑन चैनल की गाइस. ओके सो हियर इट इज़. So let's check out the iPhones. Okay. Why is it not rotating? Auto rotation on karna padega. Why is it not rotating? So 13th of October. 13th of October tha kal aur Apple ne jitni bhi saari cheeze release karni thi wo release ho chuki. ऑडियो इज कमिंग आउट ऑफ द टॉप एंड एंड द बॉटम एंड, जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं. सो दिस इज स्टीरियो ऑफ कोर्स. सो आप दोनों साइड जो है वो अलग अलग एप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो. सो इन टर्म्स ऑफ दैट हम एक कैमरा को भी चेकआउट कर लेते हैं. कैमरा मोड्स आप डिफरेंट चेक कर सकते हैं. ओके डन. टैग लोकेशंस ओके लेटर. सो Let me just have some camera samples. और कैमरा सैम्पल्स जो है मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आप चेक कर सकते हो.
बाकी आई विल मेक अ फुल रिव्यू ऑफ दिस. सो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे आपके इश्यूज या क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि फुल रिव्यू में कवर होए, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं उन्हें भी कवर करने की कोशिश कर सकूँ. बट दैट वॉज बेसिकली इट फ्रॉम दिस अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक ऑफ दिस डिवाइस. सो आई विल सी यू इन द रिव्यू और द नेक्स्ट वीडियो दैट आई मेक. If you like this video, give it a thumbs up and thank you guys for watching, and hope to see you in my next video. Thank you guys.